morning, students. Today we will continue chapter number 13, living and non-living things. Clear? बच्चों हमने अपने previous class में living things, यानी कि सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ लिया था. And today we will read about non-living things. Okay? बच्चों आज हम non-living things, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे. Clear? So now open your book and see page number 88. Non-living things do not breathe, eat food, feel, grow and reproduce. बच्चों non-living things होते हैं वो breath यानी कि सांस नहीं लेते, eat food यानी कि खाना नहीं खाते या भोजन नहीं खाते, feel यानी कि महसूस नहीं करते, grow यानी कि बढ़ते नहीं हैं, as well as reproduce यानी कि बच्चों प्रजनन भी नहीं करते. Clear? जैसा कि बच्चों मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स के जस्ट अपोजिट होते हैं. ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते. ओके, जैसे बच्चों लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ नहीं सकते. लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, द सन, मून, माउंटेन्स, रिवर्स एंड सीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके बच्चों, सन का मीन्स तो आप जानते हो, मून भी जानते हो, माउंटेन्स इट मीन्स बच्चों पर्वत, रिवर्स इट मीन्स नदियाँ, सीज इट मीन्स समुद्र, ये सभी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स के ही एग्जाम्पल है. इसके अलावा बच्चों आपकी जो बुक है, पेंसिल है, कॉपी है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी नॉन लिविंग थिंग्स. Clear everyone? Now turn your page and come on page number 89. Here are some pictures for you. बच्चों यहाँ पर आपके लिए कुछ pictures बनी हुई हैं. ठीक है? First में क्या बना हुआ है? Yes, stars. ठीक है? Next is sun and next is moon and the last one is earth. इसमें बच्चों जो भी fill the blanks है उसमें आपको इनके name write करने हैं. Clear? जैसे बच्चों फर्स्ट क्या है, स्टार्स, तो आप क्या ऐड करोगे, एस, स्टार्स, एस टी ए आर एंड एस. क्लियर, नेक्स्ट इज सन, एस यू एन सन, नेक्स्ट इज मून, एम डबल ओ एन मून, एंड द लास्ट वन इज अर्थ, ई ए आर TH. Clear everyone? Students, your today's classwork is write T for true and F for false statements. Okay? बच्चों इनमें मैंने four statements दिए हैं. जो भी statements true है उसके just सामने आपको T write करना है, और जो भी statement यहाँ पर false है उसके just सामने आपको F write करना है. Clear everyone? Okay. Our first statement is living things do not breathe. बच्चों क्या लिविंग थिंग्स ब्रेथ यानी कि सांस नहीं लेते? ट्रू या फॉल्स? यस, इट इज फॉल्स, बिकॉज लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स ईट फूड. क्या बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स भोजन खाते हैं? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट फूड. ओके, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. ठीक है बच्चों, चेयर, चेयर नॉन लिविंग है. ठीक है, तो क्या चेयर भोजन खाती है? नहीं, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्लियर, नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. बच्चों लिविंग थिंग्स ग्रो यानी कि बढ़ते हैं, एज वेल एज रिप्रोड्यूस भी करते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. क्लियर, नेक्स्ट, आर अर्थ इज लिविंग थिंग. बच्चों हमारी अर्थ जो है वो लिविंग है.
ठीक है, इट इज ट्रू और फॉल्स? यस इट इज फॉल्स, बिकॉज आवर अर्थ इज नॉन लिविंग। ठीक है, दिस इज योर क्लास वर्क, यू हैव टू राइट दिस वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी। ओके बच्चों, ये आपका क्लास वर्क है, इसे आपको अपनी क्लास वर्क फेयर ईवीएस की कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 89। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको फोर बॉक्सेस दिए हैं और इन फोर बॉक्सेस के ऊपर लिखा हुआ है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर कोई भी टू लिविंग थिंग्स को ड्रॉ करना है और कोई भी टू नॉन लिविंग थिंग्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, फर्स्ट में बच्चों आपका लिविंग थिंग्स दिया हुआ है, ठीक है, और लिविंग थिंग्स में टू बॉक्सेस बने हुए हैं, तो इसमें आपको कोई भी दो लिविंग थिंग्स ड्रॉ करना है। ठीक है, आप इसमें फिश ड्रॉ कर लीजिएगा, बटरफ्लाई ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई भी बर्ड्स बना दीजिएगा, या आप प्लांट्स भी बना सकते हो। ठीक है, एज योर विश। नेक्स्ट बच्चों आपको नेक्स्ट बॉक्स में नॉन लिविंग थिंग्स दिया हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स में बच्चों आपके टू बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो टू बॉक्सेस में आपको कोई भी टू नॉन लिविंग थिंग्स ड्रॉ करना है, जस्ट लाइक हैट, टॉय, चेयर एटसेट्रा। क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल, थैंक यू।